बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो बिजनेस लेटर आप लिखने उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सबसे पहले तो आप लोगों को बिजनेस लेटर के ये पार्ट्स बताए हुए हैं। ये पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लें। और मेन थिंग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ये शॉर्ट में आपसे पूछते हैं कि आप लेटर के एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो बताएं। तो एसेंशियल पार्ट्स में आप लोग लेटर की हेडिंग होती है, डेट जिस पे आप लोग लेटर लिखा होता है, उसके बाद एक इनसाइड एड्रेस होता है यानी कि किस एड्रेस पे आप लोग लेटर भेजना है, उसके बाद एक सैल्यूटेशन होती है। सैल्यूटेशन होती है ना यानी कि डियर सर डियर मैम, उसको हम लोग सैल्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद बॉडी होती है यानी कि जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं वो सारी चीज़। उसके बाद आप लोगों की कंप्लीमेंट्री क्लोज होती है यानी कि यूअर सिंसियरली रिगार्ड्स बेस्ट विशेज, ये जो आप लोग लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होती है। उसके बाद सिग्नेचर, ये आप लोगों के लेटर के एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, ये शॉर्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें आप लोगों की आ जाती है एड्रेसी नोटेशन, ठीक है, यानी कि आप लोग किस जो है ना मेन बंदे को जिसको आप लोगों ने लेटर भेजना होता है, ठीक है। अटेंशन लाइन यानी कि एक जो जिस बंदे को आप लोगों ने लिखना होता है ना, आप जी लिख देते हैं टू गेट अटेंशन टू मिस्टर बटर, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद एक सब्जेक्ट लाइन जिसमें मेन आइडिया आप लेटर का बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के एक होते हैं रेफरेंस इनिशियल्स। रेफरेंस इनिशियल्स होते हैं कि जो जिन जिन लोगों ने आप लोगों को लेटर टाइप करने के में मदद की होती है ना, वो आप लोगों के रेफरेंस इनिशियल्स होते हैं। उसके बाद इंक्लोजर होते हैं। इंक्लोजर का मतलब होता है कि आप लोगों ने लेटर के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स भेजे होते हैं, जो भी चीज़ें आप लोग रिज्यूमे वगैरह भेजे होते हैं, उसकी आप लोगों ने लिस्ट लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद कॉपी नोटेशन, या बारी बारी हम आगे जाके इन सारी चीज़ों को भी हम लोग पढ़ते हैं। मेलिंग नोटेशन जैसे होता है ना कि लिखा होता है कि वेरीफाइड रजिस्टर्ड, वो आप लोगों की मेलिंग नोटेशन होती है। और उसके अलावा पोस्ट स्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट में भी वही चीज़ें होती हैं यानी कि जो आप लोगों ने इंक्लोजर में जो जो चीज़ें लिखी होती हैं ना, वो आप लोग उसमें जो है ना वो लिख देते हैं। तो ये हम लोग आगे जाके बारे में इसको डिस्कस करते हैं। बस आप लोगों ने इसके नेम्स अच्छे तरीके से याद कर लेने कि नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ताकि शॉर्ट में आ जाए तो आप लोग उसको आसानी से जो है वो अटैम्प्ट कर सकें। अच्छा, सबसे पहले हम लोग हेडिंग पे आते हैं कि लेटर हेड क्या होता है। लेटर हेड होता है जो सबसे पहले जो ऊपर हेडिंग दे देते हैं ना, ठीक है, उसको उसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, जिस फॉर्म को आप लेटर लिख रहे हैं उसका आप लोग नेम लिखते हैं, उसका पोस्टल एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद आप लोग उससे नीचे वाली लाइन पे आप लोग नेम डिपार्टमेंट लिखते हैं, जिस डिपार्टमेंट को आप लेटर लिख रहे हैं, मैनेजर्स को लिख रहे हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, वो लिखते हैं। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स, ईमेल नंबर, वो लिखते हैं। और नीचे जो है ना, उसके बाद डायरेक्टर नेम, लोगो, ट्रेडमार्क, ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, ये आप लोग ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं होती। लेकिन लेटर हेड जो होता है ना, अगर तो लेटर हेड आप लोगों का स्टेशनरी है, यानी कि अगर अगला बंदा अगर जवाब दे रहा चाह रहा है तो उसने उसी सेम जो है आपको एड्रेस पे उन्होंने अप्लाई रिप्लाई करना है, तो आप लोगों ने सेंटर में करके अपना लेटर हेड लिखना है अगर स्टेशनरी है तो। लेकिन अगर आप लोगों का लेटर हेड स्टेशनरी नहीं है तो आप लोगों ने रिटर्न एड्रेस यानी कि जिस एड्रेस पर आप लोगों ने अगर आगे से आपने लेटर रिसीव करना ना, वो आप लोगों ने कब लिखना है कि जो आप लोगों ने डेट लिखी होगी उससे ऊपर 2 इंच ऊपर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की आ जाती है डेट। डेट जो आप लोग लिखते हैं वो आप लोगों ने 2 से 6 लाइनें लेटर हेड की छोड़ के उससे नीचे लिखनी होती है, ठीक है। डेट इंडिकेट करता है कि आप लोगों ने लेटर कब लिखा है। अगर आप लोगों ने लेटर पर ज्यादा दिन लगाया तो आप लोगों ने वो दिन लिखना है जिस दिन आप लोगों ने लेटर को फिनिश किया है। लेफ्ट मार्जिन के साथ आप लोगों ने डेट लिखनी है। डेट की सीक्वेंस क्या होती है, मंथ लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने डे लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने अपना ईयर लिखना है। लेकिन कभी कभी अमेरिकन स्टाइल में आप लोग फिगर्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये मंथ का नेम के बजाय उसका आप लोग फिगर लिख देते हैं। यूरोप और एशिया में क्या करते हैं कि वहाँ पे पहले डे लिखते हैं, बाद में मंथ लिखते हैं, और एंड पे आके वो फिर ईयर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस होता है उस बंदे का एड्रेस होता है जिसको आप लोग लेटर लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो हमेशा स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ही आप लेटर लिखा करें। तो उसके लिए आप लोगों ने लेफ्ट हैंड का जो मार्जिन होता है उसके साथ आप लोगों ने इनसाइड एड्रेस लिखना होता है। उसमें आप लोगों ने नेम लिखना होता है और उस इंडिविजुअल का आप लोगों ने एड्रेस लिखना होता है, या किसी ग्रुप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जिसको आप लोग लेटर लिख रहे हैं आप लोगों ने उसका एड्रेस लिखना होता है। अगर तो एड्रेसी का कोई प्रोफेशनल टाइटल है, जैसे कोई मैनेजर हो गया या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल टाइटल नहीं है, तो डॉक्टर, प्रोफेसर, इस तरह का कोई प्रोफेशनल टाइटल नहीं है, तो आप कर्टसी के लिए लिख दें मिस, मिसेस, इस तरह से, ठीक है। तो वो आप लोगों का इनसाइड एड्रेस हो जाता है। ये लिखा हुआ भी है, इसकी एग्जाम्पल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आती है आप लोगों की सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होती है, जो आप लोगों की जो ओपनिंग ग्रीटिंग होती है ना, यानी कि डियर सर, डियर मैडम, डियर कस्टमर, डियर कोलीग, या नेम लगा के आप लोग कह देते हैं कि डियर अली, या इस तरह से, जो सैल्यूटेशन होती है, जो ओपनिंग ग्रीटिंग होती है, वो आप लोग उसको टाइप करते हैं जो आप लोगों ने इनसाइड एड्रेस लिखा होता है उससे नीचे वाली लाइन पे, ठीक है।
दो लाइनें जो होती है ना बॉडी के ऊपर की दो लाइनों पे आप लोग लिखते हैं, लेफ्ट मार्जिन के साथ आप लोगों ने लिखना होता है। सैल्यूटेशन जो होती है वो हमेशा कंप्लीमेंट्री के साथ, यानी कि एंड पे जो आप लोग क्लोजिंग करते हैं ना उसके साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सिमिलर टोन में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ग्रीटिंग में अगर कोई फॉर्मल सिचुएशन है, उस बंदे को अगर आप जिसको आप लोग लेटर लिख रहे हैं उसको आप लोग पर्सनली ज्यादा नहीं जानते या वो आपसे बहुत ज्यादा सीनियर है, तो आप लोगों ने क्या करना है, डियर मैम, डियर सर या डियर सर्स ये आप लोग लिखते हैं ना, नेम आप लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर क्लोज में आप लोगों ने क्या लिख देना होता है, योर्स फेथफुली, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे को लिख रहे हैं जो आप लोगों का क्लोज फ्रेंड है, आप लोगों का क्लोज नहीं है बस वैसे उसके साथ आप लोगों का फ्रेंडली रिलेशनशिप है, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ग्रीटिंग्स में डियर मिस डॉक्टर मिस्टर मिस मिसेस, ठीक है, या डियर कुरेशी या डियर कुलीग, डियर कस्टमर, ठीक है, या डियर मिसेस कुरेशी जो है, इस तरह से आप लोग ग्रीटिंग्स लिखते हैं। और क्लोज में आप लोग लिख देते हैं यूअर्स सिंसियरली, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी बहुत ही ज्यादा पर्सनल, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड को, क्लोज बंदे को अगर आप लोगों ने लिखना है ना, तो आप लोग उसका नाम लेके डियर जाफर जमीला, माई डियर, इस तरह से लिख के, और फिर क्लोज में आप लोगों ने क्या लिखना होता है, यूअर्स, यूअर्स सिंसियरली, काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट विशेज, अफेक्शनेटली, ठीक है। ये आप लोगों की सैल्यूटेशन और कंप्लीमेंट्री क्लोज होता है, ठीक है। अच्छा, मेन बॉडी जो है उसमें आप लोगों ने लॉजिकली सारे पैराग्राफ्स जो है ना वो लिखने होते हैं, और जो जो आप पैराग्राफ्स लिख रहे होते हैं हर पैराग्राफ के दरमियान दो दो लाइन आप लोगों ने छोड़ के लिखनी ताकि आप लोगों का लेटर क्लियर लगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कंप्लीमेंट्री क्लोज आप लोगों को पहले जैसे मैं बता चुकी हूँ, जैसे जिस साइड पर आप लोगों ने डेट लिखी होगी या आप लोगों ने लास्ट पैराग्राफ का जो बॉडी का जो आप लोगों ने लास्ट लाइन जहां से शुरू की उसी उसी साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से ही आप लोगों ने कंप्लीमेंट्री क्लोज लिखनी है। और कंप्लीमेंट्री क्लोज ज्यादा पॉपुलर क्या होती हैं, सिंसियरली सिंसियरली यूअर्स, वेरी ट्रूली यूअर्स, यूअर्स वेरी ट्रूली। जब लेटर इनफॉर्मल होता है या आप लोगों ने तो फिर आप लोग एडिशनल और क्लोजेस भी यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर है ना अगर, तो आप लोग वार्म रिगार्ड्स, बेस्ट विशेज हो गया, बेस्ट रिगार्ड्स, इस तरह के आप लोग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। यूके और एशिया में ज्यादातर जो है ना वो फेथफुली यूअर्स जो है वो यूज होता है, ठीक है। और अपने जो क्लोजिंग होती है उसके बाद आप लोगों ने एक सिग्नेचर लिखना होता है, तो क्लोजिंग और सिग्नेचर के दरमियान 4 लाइंस का डिस्टेंस होना चाहिए। सिग्नेचर एरिया आ जाता है कि उसमें आप लोगों ने बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन होती हैं, यानी कि अपने अपनी कंपनी का नाम लिखना होता है, अपने सिग्नेचर करने होते हैं, अपना नाम लिखना होता है और आपको जो बिजनेस टाइटल है वो लिखना होता है, ठीक है। यानी कि ये सिंसियरली आप लोगों ने लिखा, उस अपना नाम लिखा, ठीक है, आप लोगों का जो जो भी आप लोग आपका जो डिपार्टमेंट है वो लिखा, आप डिपार्टमेंट के हेड है वो, ठीक है, ये आप लोगों का सिग्नेचर एरिया होता है। अच्छा, एड्रेसी न्यूटेशन क्या होता है, एड्रेसी न्यूटेशन होता है कि आप उसमें ये बताते हैं कि ये बंदा, ये जो लेटर है ये फलां बंदे तक ही पहुंचना चाहिए, उसके अलावा कोई और ना पढ़े, ठीक है। तो ये इनसाइड एड्रेस जब आप लोग लिखते हैं ना, तो उससे आप लोग 2 लाइन अबव लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में आप इसको लिखते हैं। वेज क्या होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल आगे नाम लिखते हैं कि ये फलां बंदा ही सिर्फ इसको पढ़े, पर्सनल या प्लीज फॉरवर्ड टू फलां बंदा, ठीक है। आगे आप लोगों की आती है अटेंशन लाइन या रेफरेंस। अटेंशन लाइन आप लोग क्यों लिखते हैं, अटेंशन लाइन ये तब होती है जब आप जिस बंदे को आप लोग नाम लिख रहे हैं ना लेटर, जब आप लोगों को उसका पूरा नाम नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन बस आप पर्टिकुलर टाइटल दे के या डिपार्टमेंट को जो है ना वो आप नाम लिख रहे होते हैं, ठीक है, आप लोग ये चाह रहे होते हैं कि उस बंदे तक ये ना जो है लेटर पहुंच जाए। या आप हमेशा जब ऐसे करते हैं कि पर्सन का आप लोग सर नेम लिख देते हैं, राइटर जो है वो लिखते हैं, व्हेन द राइटर नोज ओनली द पर्सन का पहला नेम, जैसे सर नेम जस्ट उसको पता है, पूरा नेम नहीं पता, ठीक है, और उसको वो सैल्यूटेशन में यूज नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो फिर उसको अटेंशन लाइन में यूज कर देगा, ठीक है। तो जब भी राइटर अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये जो लेटर है वो जिसको लिखा जा रहा है वो कहीं बाहर है, मतलब उस तक नहीं पहुंचेगा, तो अगर कोई दूसरा बंदा अगर उस लेटर को रिसीव कर लेगा तो वो उस अटेंशन लाइन या रेफरेंस लाइन से अंदाजा लगा लेगा कि मैंने ये लेटर किसको देना है, ठीक है। तो ये इनसाइड जब एड्रेस होता है उससे 2 लाइनें नीचे लिखा जाता है, जैसे फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर बट। उसके बाद आप लोगों की आ जाती है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन क्या होती है कि इसमें थोड़े से फ्यू वर्ड्स होते हैं, इसमें आप इंडिकेट करते हैं कि लेटर का मेन सब्जेक्ट क्या है। जब भी आप इस ये आप लिखते क्यों है कि अगले जो पढ़ने वाला बंदा होता है ना उसकी सारी सोचों को एक एक फोकस पॉइंट तक लाने के लिए आप लोग सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं। ये नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, जब भी आप बिजनेस लेटर किसी हायर मैनेजमेंट को लिख रहे होते हैं ना तो आप लोग तब सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों का पूरा लेटर वो रीड करें, तो वो सब्जेक्ट लाइन से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये किस बारे में ये लेटर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट लाइन इंडिकेट करता है कि आप ये लेटर फ्यूचर में किस मकसद के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये सब्जेक्ट है कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नंबर या फलां ऑर्डर नंबर के लिए ये लेटर लिखा है। सब्जेक्ट लाइन आप सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखते हैं
और सब्जेक्ट लाइन को आप लोग लेफ्ट साइड पे जो है वो स्टार्ट करना होगा, या आप लोग सेंटर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, या जैसे आप लोगों ने पैराग्राफ लिखी हुई होंगे बॉडी के उस हिसाब से आप लोग सब्जेक्ट लाइन जो है वो लिखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट लाइन आप लोग सैल्यूटेशन के ऊपर भी लिख सकते हैं या टॉप ऑफ द पेज भी लिख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट लाइन को लिखने की ये एक तरीका लिखा हुआ है कि गिवन द हेडिंग सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की हेडिंग दे के आगे आप लोग उसका सब्जेक्ट लिख। लेकिन लेकिन कभी 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 कभार ऐसा होता है कि लोग सब्जेक्ट को ना एज अ हेडिंग में वो सब्जेक्ट नहीं लिखना चाह रहे होते, तो फिर उनको क्या करना चाहिए कि दूसरे लेटर के पार्ट से प्रोमिनेंट करने के लिए वो या तो कैपिटल लेटर्स में पूरा सब्जेक्ट लिख लें, या इटैलिक्स में लिख लें, या किसी डिफरेंट फॉन्ट टाइप में लिख लें, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो आसानी से एक डिस्टिंग्विश हो जाएंगे कि वो ये जो, या अंडरलाइन भी कर दें तो पता चल जाता है कि ये सब्जेक्ट लाइन है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है। आगे हमारे आ जाते हैं रेफरेंस इनिशियल्स। रेफरेंस इनिशियल्स कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा होता है ना, किसी ने लेटर लिखा किसी और बंदे ने, होता है टाइप कोई और कर रहा होता है, तो हमेशा रेफरेंस इनिशियल्स में जिस बंदे ने उस टाइप में लेटर को प्रिपेयर करने में हेल्प आउट किया होता है उसको उसको आप लोग उसके जो है वो नाम लिख देते हैं, ठीक है। रेफरेंस इनिशियल्स आप लोग हमेशा लेफ्ट साइड पे आप लोग लिखते हैं, और जब आप लोग ने सिग्नेचर्स लिखे होते हैं उससे आप लोग एक या दो लाइनें नीचे लिखते हैं। राइटर का नेम अगर सिग्नेचर ब्लॉक में लिखा हुआ है तो फिर आप लोग रेफरेंस इनिशियल्स में सिर्फ टाइपिस्ट का नेम लिखेंगे, जिसने टाइप किया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का जो है वो कंपोज टाइप के अलावा किसी और बंदे ने भी किया है तो उन दो यानी कि जितने भी लोगों ने हेल्प आउट किया होगा मैसेज के लिए, आप लोगों ने उस सब के नेम जो है ना वो आप लोगों ने रेफरेंस इनिशियल्स में लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है इंक्लोजर। आप लोग लेटर के एनवेलप के अंदर, लेटर के अलावा जो भी चीज़ें डालते हैं ना, चेक हो गया, रिज्यूमे हो गया, प्राइस लिस्ट, लीफलेट, या कोई भी डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो लेटर से रिलेटेड होता है आप लोग उसको डालते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि इनक्लोजिंग विद द लेटर, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कैसे आप लोगों ने लिखना होता है कि आप लोग सिंपली आप लिख लेते हैं इनक्लोजर्स, ठीक है। एक दो या तीन लाइनें कंप्लीमेंट्री क्लोज के से या सिग्नेचर की से नीचे आप लोग दो तीन लाइनें छोड़ के वहाँ पे आप लोग एक इनक्लोजर्स की हेडिंग दे के आगे आप लोग लिख देते हैं कि जो भी आप लोगों ने जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों ने लिखना होता है कि जो भी आप लोगों ने चीज़ें डाली होती हैं ना एनवेलप में, उन सब की लिस्ट का एक जो नेम जो होते हैं ना वो आप लोगों ने उस लिस्ट में लिख देने होते हैं। उसके बाद होती है मेलिंग नोटेशन। मेलिंग नोटेशन ये वर्ड्स जैसे स्पेशल डिलीवरी सर्टिफाइड हो गया, रजिस्टर्ड मेल, वैन एप्लीकेबल, जब भी आप इसको लिखना चाह रहे हैं ना तो डबल स्पेस के साथ आप डेट डेट जहाँ पे आप लोग लिखनी होगी लिखी हुई होगी, या जहाँ पे आप लोगों ने जहाँ पे आप लोगों ने डेट लिखी होगी ना उससे आप लोगों ने दो लाइनें नीचे छोड़ के और इनसाइड एड्रेस से दो लाइनें ऊपर आप लोगों ने मेलिंग नोटेशन लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जोर देना चाह रहे होते हैं ना, तो या आप लोग वैसे ही कोई ब्रीफ पर्सनल मैसेज अगर आप लोग देना चाह रहे हैं जो कि लेटर से अनरिलेटेड है, तो वो फिर पोस्ट स्क्रिप्ट होता है, जो आप लोग कभी कभार टाइप करके भी लिख देते हैं या कभी कभार आप अपने वैसे ही हैंड रिटन आप लोग लिख देते हैं। तो ये लिखते ही आप कहाँ है पोस्ट स्क्रिप्ट, आप लोगों के लेटर वाले पेज पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं सबसे एंड पे आप लोगों का पोस्ट स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट आप लोग ऐसे लिख सकते हैं पी डॉट एस डॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपली पी एस भी लिख सकते हैं, या पी एस और आगे कॉलोन, ठीक है। ये तीन तरीके होते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट लिखने के। ये इंक्लोजर की जो है ना वो एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। इंक्लोजर अगर आप लोग लिखें तो कैसे लिखने हैं, ई एन सी लिख के, अगर एक इंक्लोजर है एक चीज़ है आप लोगों के इनवेलप में तो जस्ट ई एन सी, अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो इंक्लोजर्स ई एन सी एस, ठीक है। अगर दो डॉक्यूमेंट्स इंक्लोज हैं तो आप लोग लिख सकते हैं इंक्लोजर्स टू, ठीक है। या जो भी चीज़ें हैं तो आप लोग इंक्लोज कॉलन लगा के जो जो चीज़ें हैं उसके अंदर सी वी है, आप लोगों के एन आई सी की कॉपी है, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है, तो वो भी आप लोग उसमें उसकी एक लिस्ट जो है इस तरह से आप लोग नवने में जो। अच्छा नेक्स्ट है हमारी कॉपी न्यूटेशन। कॉपी न्यूटेशन क्या होता है, अगर आप लोग ये चाहते हैं ना कि आप अपने लेटर की कॉपी एक से ज़्यादा बंदों को भेजना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग कॉपी न्यूटेशन कहते हैं, यानी कि उन जिन लोगों को आप लोग भेजना चाह रहे हैं एडिशनल कॉपीज़, तो उनका नाम आप लोग रेफरेंस इनिशियल्स और इंक्लूजन न्यूटेशन के नीचे आप लोग लिख देते हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोग लिखते हैं सी सी, पहले आप लोग टाइप करते हैं सी सी का मतलब है कार्बन कॉपी, ठीक है। ये आप लोग याद कीजिए कि ये स्टैंड्स फॉर आप लोगों के पेपर में आती हैं। सी सी आप लोगों ने पहले लिखना होता है और फिर उसके बाद आप लोगों ने उस बंदे का नाम लिखना होता है जिसको आप लोग वो कार्बन कॉपी सेंड करना चाह रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग वो कॉपी सेंड कर रहे होते हैं लेकिन आप लोगों ने जिस ओरिजिनल बंदे के लिए आप लोगों ने वो लेटर लिखा था ना उससे आप वो बात सीक्रेट रखना चाह रहे होते कि आप लोगों ने लेटर किसी और को भी भेजा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉपी के ऊपर तो आप लोग नहीं लिखते लेकिन जो वैसे जो कॉपीज़ होती है ना, जो दूसरी कॉपीज़ होती हैं, जस्ट उनके ऊपर आप लोग नोटेशन की जगह पे लिख देते हैं बी सी सी, बी सी यानी कि ब्लाइंड कॉपी, बी सी सी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या बी पी सी ब्लाइंड फोटो कॉपी, ठीक है। ये आप लोग लिख देते हैं।
उसके बाद एक एडिशनल रूल होता है, अगर सेकंड पेज हेडिंग, अगर आप लोगों का लेटर इतना लंबा है कि दूसरा पेज भी अगर आप लोगों को चाहिए उसके ऊपर लेटर लिखने के लिए, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोगों ने उस बंदे का नाम लिखना होता है जिसने लेटर रिसीव करना है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लेटर रिसीव करना है वो लिखते हैं, उसके बाद आप लोग पेज नंबर लिखते हैं और उसके बाद डेट आप लोग डाल देते हैं, ठीक है। और पेज नंबर यानी कि सेकंड पेज हेडिंग आप लोग जो है ना उस पर देख, ये आप लोगों की सेकंड पेज हेडिंग होती है, जस्ट इतनी सी, यानी कि जिसने रिसीव करना है रिसीवर का नाम, पेज नंबर और उसके बाद डेट, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग दो लाइनें छोड़ के जो है ना फिर दोबारा अपने जो लेटर का आप लोगों की जो बॉडी होती है वो आप लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो लेसन है ये भी हो गया है कम्प्लीट। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएं, मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।